हे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जॉब अपडेट 1997। दोस्तों माय नेम इज़ विश्वजीत। आज जो जॉब वैकेंसी लेके दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं वो दोस्तों GSCL रिक्रूटमेंट 2024। ठीक है दोस्तों, फ्रेशर्स कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है एंड अप्लाई कर सकता है। ठीक है, इस जॉब के लिए दोस्तों कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट दोस्तों इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है एंड अप्लाई कर सकता है। ठीक है दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी होने वाला है। कैसे अप्लाई करना है, वैकेंसी डिटेल्स, पोस्ट डिटेल्स, सिलेक्शन प्रोसेस एंड ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लेके दोस्तों आज का वीडियो होने वाला है। ठीक है, एंड दोस्तों अगर आप लोग ITI पास हो, डिप्लोमा पास हो एंड ग्रेजुएट पास आउट कैंडिडेट हो तभी दोस्तों इस पोस्ट के लिए आप लोग एलिजिबल हो एंड अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सो दोस्तों चलो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा मेन टॉपिक लेके डिस्कस करें। लेकिन दोस्तों उससे पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त लोगों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि सबको हेल्प होना चाहिए, सबको नौकरी दोस्तों मिलना चाहिए। ठीक है, यही है मेरा चैनल का मेन मोटिव। और दोस्तों ऐसे ही पार्टे न्यू जेन्युइन जॉब वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। ठीक है, क्योंकि आप लोगों का एक सब्सक्राइब दोस्तों मेरे को वीडियो बनाने का और भी मोटिवेशन इंक्रीज करता है। ठीक है, सो दोस्तों GSCL रिक्रूटमेंट 2024 फ्रेशर कैंडिडेट दोस्तों इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। ITI डिप्लोमा एंड ग्रेजुएट पास आउट कैंडिडेट दोस्तों इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है एंड अप्लाई कर सकता है। ठीक है दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन नेम गुजरात अल्कलाइज एंड केमिकल्स लिमिटेड, GSCL। GSCL इज एन इंडियन केमिकल सब्सटेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोमोटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। इट्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज आर लोकेटेड एट दहेज एंड वडोदरा इन गुजरात। द कंपनी मैन्युफैक्चरिंग केमिकल साज एस कॉस्टिक सोडा, सोडियम एक्सेप्टा एक्सेप्टा। ठीक है, सो दोस्तों आप लोगों को जिस कंपनी में दोस्तों रिक्रूट किया जाएगा वो है दोस्तों गुजरात अल्कलाइज एंड केमिकल्स लिमिटेड। क्लियर, अब दोस्तों पोजीशन अप्रेंटिस पोस्ट के लिए दोस्तों आप लोगों को हायरिंग किया जाएगा। ठीक है, जॉब लोकेशन होगा दोस्तों बड़ौदा एंड गुजरात। स्टाइपिंड दोस्तों एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स। ठीक है, ट्रेड अप्रेंटिस फास्ट दोस्तों ITI पास आउट कैंडिडेट के लिए। अगर दोस्तों आप लोग ITI इसी सब ट्रेड से दोस्तों पास आउट हो तभी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो एंड अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ITI पास इन फीटर, इलेक्ट्रिशियन, कोपा, लेबोरेटरी असिस्टेंट, केमिकल प्लांट, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मेंटेनेंस मैकेनिक, केमिकल प्लांट। ठीक है, ITI का दोस्तों इसी ट्रेड से अगर आप लोग पास आउट हो तभी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो एंड अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, एंड दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा पोस्ट होगा टेक्नीशियन। ठीक है, अगर दोस्तों आप लोग डिप्लोमा केमिकल, सिविल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से दोस्तों पास आउट हो तभी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो एंड अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, एंड दोस्तों अगर आप लोग ग्रेजुएट केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर, IT, सिविल इंजीनियरिंग से दोस्तों पास आउट हो तभी इस पोस्ट के लिए आप लोग एलिजिबल हो एंड अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, एंड दोस्तों अगर आप लोग BCOM फुल टाइम पास आउट कैंडिडेट हो एंड दोस्तों एनी ग्रेजुएट पास आउट कैंडिडेट हो तभी दोस्तों इस पोस्ट के लिए आप लोग एलिजिबल हो एंड अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब दोस्तों 18 जुलाई से दोस्तों इसका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हुआ है। लास्ट डेट दोस्तों 27 जुलाई 2024। ठीक है, अब दोस्तों हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करोगे। ऑल इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट्स कैन अप्लाई थ्रू ऑनलाइन बाई यूजिंग ऑफिशियल वेबसाइट ऑन और बिफोर 27 जुलाई 2024। ठीक है, सो दोस्तों 27 जुलाई से पहले दोस्तों आप लोगों को ऑनलाइन आवेदन कर लेना है। इसका जो दोस्तों ऑनलाइन अप्लाई लिंक है, इस ऑनलाइन अप्लाई लिंक को दोस्तों मैं अपना वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। आप लोग मेरा वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाना, डायरेक्ट आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई लिंक मिल जाएगा, वहाँ से दोस्तों आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, एंड दोस्तों इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है मैं अपना ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप में फॉरवर्ड कर दूंगा। ओके दोस्तों, आई होप दोस्तों कुछ भी डाउट नहीं है, फिर भी कुछ डाउट है दोस्तों वीडियो का कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ठीक है, सो चलो आज का वीडियो यही तक था, आते हैं नेक्स्ट वीडियो लेके। जय हिंद।